नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम आपको टूर्नामेंट टूर्नामेंट में आपको क्या बताएंगे वाई क्या होती है सीडिंग क्या होती है और स्पेशल सीडिंग क्या होती है सबसे पहले टूर्नामेंट की वीडियो मैंने बता रखी है इसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वाई क्या होती है सीडिंग क्या होता है और स्पेशल सीडिंग क्या होती है सबसे पहले वाई वाई को पहले पढ़ें वाई सबसे पहले देते क्यों हैं हम वाई हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो हम टूर्नामेंट करा रहे हैं अगर उसमें टीमें हमारे पास इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है अगर हमारे पास ऑड नंबर में है तो उसके जो पार्टीशन होता है अपर हाफ़ और लोअर हाफ का तो उसके पार्टीशन करके हम अगर कोई टीम एक्स्ट्रा जैसे मानो ई नंबर है ई नंबर में हमारे पास टीम है तो ईवन नंबर कौन से होते हैं हमारे दो चार छः आठ दस बारह जो दो से डिवाइड हो जाते हैं और नंबर कौन से होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते ठीक तो अगर हमारे पास ईवन नंबर है तो जो हाफ होंगे हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ एक स्लाइड लेके मैं आपको ही देता हूँ स्लाइड चलिए जैसे देखो हमारे पास पांच टीम है वन टू थ्री फोर फाइव तो पांच टीमें हैं तो पांच टीमों का अगर जब हम हाफ डिवाइड करेंगे तो जैसे अब तीन है ना तीन पे से ऐसे डिवाइड कर देंगे अब ये हुआ कैसे तो एन प्लस वन बाई टू पूरी टीम कितनी थी हमारे पास पाँच एन यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स हैं तो फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू तो ये कितना हो गया सिक्स बाई टू तो ये थ्री तो इसका मतलब ये है अपर हाफ में तीन टीम और लोअर का फॉर्मूला होता है एन माइनस वन बाई टू तो हमारे पास कितनी टीम थी पाँच फाइव माइनस वन और टू तो ये हो गया फोर बाई टू तो लोअर हाफ में हमारे पास दो टीम आ जाएंगे तो एक तो ये हो गया तरीका अब वाई देने का तरीका होता है टू की पावर एंड में से नंबर ऑफ द टीम्स माइनस कर देंगे तो जो भी हमारे पास आएगा वो हम कर लेंगे अच्छा चलियो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पर चलते हैं हम देखो अब देखो ये है। ए टीम विच गेट बाई विल नॉट प्ले फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी अगर किसी टीम को वाई दी जाती है तो फर्स्ट राउंड में न खेल के सेकेंड राउंड से खेलेगी और जो वाई होती है केवल फर्स्ट राउंड में के लिए ही दी जाती है ऐसा नहीं होता कि हम सेकेंड राउंड में वाई दे दें केवल फर्स्ट राउंड में ही हम वाई दे देंगे सेकेंड राउंड में वाई नहीं दे सकते और इसका फॉर्मूला क्या है वाई निकालने का जैसे टू की पावर एन एन माइनस नंबर ऑफ टीम्स तो टू की पावर एन टू की पावर एन कैसे चलेगी जैसे टू की पावर वन टू तो हो जाएगी टू की पावर टू तो टू इंटू टू हो जाएगा फोर हो जाएगा टू की पावर थ्री ऐसे करे एट हो जाएगा तो टू की पावर एन माइनस नंबर ऑफ द टीम्स ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वाई आ जाएगी नेक्स्ट क्या कह रहा है वाई विल प्रोवाइड एनी टीम इन द दिक्सर अकॉर्डिंग टू द वाई रूल ये है कि वाई हम जैसे हमने कोई लॉट सिस्टम डाला जैसे लॉट डाले हमने तो जैसे पांच टीमें थी हमारे पास तो पांच टीमों के लॉट डाल दिए हमने तो जो सीक्वेंस में आएगा वाई का जो सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले हम लोअर हाफ की लोअर टीम को देते हैं वाई फिर हम अपर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं वाई तो ऐसे करके जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वाई हर किसी टीम को भी मिल सकती है जो लॉट के सिस्टम के अनुसार जो होगा ये yes. अब क्या कह रहे देखो इसमें ये बता रहे हैं फर्स्ट वाई विल लोअर द लास्ट टीम फर्स्ट वाई हमारी जो होती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को मिलती है जैसे इस नेक्स्ट स्लाइड में था यहाँ पे जो हमारे पास पांच टीमें थी तो इसकी लोअर हाफ की लोअर टीम को मिलेगी फिर जो सेकेंड वाई मिलती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को मिलेगी ऐसे ही सेकेंड वाई दी जाएगी अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सीडिंग सीडिंग क्या होती है सीडिंग में होता है कि जो टीमें हमारी प्रीवियस ईयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं उनको जो वहाँ की जो कमेटी होती है वो उनको सीडिंग दे देती है क्यों क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो हमारे पास न्यू टीम्स आई हैं वो उस टीम से ना मैच हो जाए तो उसके लिए हमारी जो कमेटी होती है उन टीमों को सीडिंग कर देती है जो अच्छी टीमें होती हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होती हैं उनको सीडिंग कर दी जाती हैं अब क्या होता है जैसे अगर उन्हीं का मैच अगर फर्स्ट राउंड में हो जाएगा तो जो फर्स्ट टाइम हमारी टीमें आई हैं है खेलने के लिए वो फिर उनकी जो मेंटलिटी होती है या मनोबल जो होता है उनका डाउन हो जाता है तो इसलिए अच्छी टीम का मैच बेकार टीम से नहीं रखते हैं तो जो अच्छी टीमें होती हैं उनको सीडिंग दे, दे देते हैं जो कि नेक्स्ट बढ़ जाती हैं आगे अब देखो सीडिंग एक तरह से वाई ही होती है जो सीडिंग होती है कहें तो वाई ही होती है पर जो सीडिंग जो मिलती है वो उन्हीं टीमों को दी जाएगी जो टीमें प्रीवियस ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होंगी पर वाई किसी को भी मिल सकती है वाई का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वाई उसी को मिलेगी जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है पर सीडिंग का ऐसा रूल है कि जो सीडिंग होगी वो उन्हीं टीमों को मिलेगी जो लास्ट ईयर्स या लास्ट प्रीवियस ईयर्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होंगी तो देखो मैंने यहाँ पर एक ड्रो एक एन का क्वेश्चन है कि ए फिक्चर ऑफ़ द इलेवन टीम्स आउट ऑफ विच फोर टीम्स आर टू बी सीडेड एक और बात बता दूं कि जो सीडेड होंगी टीम वो टू की पावर में चलेंगी टू की पावर में ही सीडेड होंगी टीम जैसे दो चार आठ सोलह ऐसे करके ये पावर में चलेंगी तो देखो हमारे पास ग्यारह टीम है ना देखो सोल्यूशन बताते हैं इसका ग्यारह टीम है और चार टीमों को हमने सीडिट कर दिया ठीक तो इसका फिगर कैसा बनेगा तो देखो फर्स्ट दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह हमारे पास कितनी ग्यारह टीम दी देखो एलेवन टीम सीयरिंग यहाँ पर हमने नंबर्स लिख लिए हमारे पास ग्यारह टीम हो गई अब क्या करेंगे सबसे पहले हम चार को हमें सीडिंग देनी है है ना तो सबसे पहले नंबर ऑफ द वाइज निकाल लो पहले भाई ग्यारह टीम है हमारे पास तो टू की पावर एन माइनस इलेवन वाई की फार्मूला यही है तो टू की पावर एन कितनी हो जाएगी टू की पावर फोर माइनस इलेवन तो टू की पावर फोर कितनी होती तो है सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस इलेवन तो फाइव वाई आ गई हमारे पास तो फाइव वाई दे देंगे फाइव वाई कैसे देंगे अब इससे भी पहले हम अपर ऑफ और लोअर ऑफ डिवाइड करेंगे अपर ऑफ का फॉर्मूला क्या है एन प्लस वन वाई टू क्योंकि यहाँ पे और नंबर में टीम तो एन प्लस वन बाई टू तो एन कितनी है ग्यारह प्लस एक बट्टे दो गई बारह बटे दो तो, बटे दो। तो, छे। तो छे टीम हमारी आर्म में और पांच टीम हमारी में हो जाएंगी ठीक अब जब हम बाई देंगे तो लोअर आफ की फर्स्ट टीम को पहले बाई दी जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहली वाई दी जाएगी वाई मतलब सीडिंग ठीक है इसके कोष्टक में हम वाई लिख सकते हैं ओके एज अ वर्ग ये वाई ही करेगी अब अपर हाफ की फर्स्ट टीम ये भी ठीक इसको भी हम वाई लिख सकते हैं भाई दो वाई हो गए अब क्या वही थर्ड वाई किसे देते हैं लोअर हाफ की फर्स्ट टीम सीडिंग या सीडेड ठीक है ये भी हमारी एक वाई अब क्या देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम ठीक ये हो गया आपका अब एक भाई बची अब जो एक भाई बचेगी वो लोअर आपकी सेकंड लास्ट है ये इसको हम वाई लिखेंगे क्योंकि हमारी जो वाई थी पीछे वाल जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमारे पास देखो मैं अभी ये डाल देता हूं थोड़ा देखो देखो यहां पर क्या कह रहा फोर टीम्स विच आर सीडेड तो चार टीमों को सीटेड किया गया तो यहां पे देखो चार सीट चार टीमों को सीडिंग हो भी गई एक दो तीन और ये चार ठीक अब जो बाकी टीमें बची बचीं उनके मैचेस करा लेंगे जैसे ये बची इसका इसका मैच हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा और इन दोनों का मैच हो जाएगा ठीक अब जो विनर होंगे ऐसे करके निकाल लेंगे फॉर्मूले से अब देखो नेक्स्ट मैं समझता हूँ आपको सीडिंग समझ में आ गई होगी नेक्स्ट चलते हैं अब हम स्पेशल सीडिंग स्पेशल सीडिंग क्या होती है स्पेशल सीडिंग में ये होता है कि जो हमारी टीमें होती हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होती हैं उनको हमारी एंट्री सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमी फाइनल के लिए मिल जाती है वो उन जो स्पेशल सीडिंग वाली जो टीम होती हैं जिन टीमों को स्पेशल सीड किया जाता है वो टीम क्वार्टर फाइनल या सेमी फाइनल्स में ही खेलती हैं वो बीच वाले जो राउंड्स होते हैं उनको नहीं खेलती अब देखो ये जो सीडिंग होती है स्पेशल सीडिंग होती है वो की टू वो भी टू की पावर में ही दी जाती है क्योंकि पावर एन में ही दी जाती है अब देखो सबसे पहले वाई देने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे वाई देने का फॉर्मूला यह है कि जितनी भी हमारे पास टीमें हैं जैसे एनसीआरटी का मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया इसमें मैं आपको समझाऊंगा चलो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही लेते हैं यो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर हो जाएगा आपके पास बीस टीमें हैं है। बीस टीमें हैं तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी बीस टीम हैं हमारे पास सबसे पहले अपर हाफ और लोअर हाफ डिवाइड होंगे तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जो टीम्स हैं हमारे पास वो इवन नंबर हैं इवन नंबर में है टीम्स क्योंकि बीस है बीस अपर ऑफ लोअर ऑफ डिवाइड करेंगे तो टू का पावर टू का डिवाइड दे देंगे ट्वेंटी में तो दस और दस अपर ऑफ और लोअर ऑफ हो गए ये अपर ऑफ हो गया ये अपर ऑफ और ये लोअर ऑफ ठीक ये बीच में यहाँ से पार्टीशन हो गया अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास बीस टीमें हैं बीस टीमें है से हमने चार टीमों को सीडिंग करना है स्पेशल सीडिंग करना है तो देखो इसमें ये रूल है कि जब हम वाई निकालेंगे तो वाई जब हम निकालेंगे जो हमारे पास टीम्स हैं जैसे बीस टीमें थी हमारे पास तो अगर हम वाई निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो स्पेशल सीडिंग करी है टीम है उनको माइनस करना पड़ेगा तो बीस में से जब चार जाएंगे तो सिक्सटीन टीम्स बची हमारे पास अब इन सिक्सटीन टीम्स को टू की पावर एन माइनस से माइनस करेंगे वाई के लिए जब वाई निकालेंगे तो अब करेंगे टू की पावर एन माइनस सिक्सटीन तो टू की पावर फोर सिक्सटीन होती है सिक्सटीन में से सिक्सटीन गए तो जीरो वाई तो इसलिए इस जो ये पिक्चर बनेगा इसमें कोई भी वाई नहीं दी जाएगी इतना समझ में आ गया चलो अब देखो मैचेस कराते हैं अब देखो ये कहाँ है हमारा पेन ये रहा। अब देखो इस स्पेशल सीडिंग दी जाएगी तो ऐसे ही जैसे वाई देते हैं ऐसे जैसे सीडिंग करते हैं ऐसे स्पेशल सीडिंग नहीं करते स्पेशल सीडिंग का फॉर्मूला ये है कि जो हम सीडिंग करते थे वो हम लोअर हाफ की लोअर टीम को सीड करते थे लेकिन स्पेशल सीडिंग जो हम करेंगे वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम से करेंगे जस्ट उल्टा होता है ठीक तो यहाँ से पहले स्पेशल सीडिंग स्पेशल सीडिंग ठीक तो फर्स्ट टीम ये ये स्पेशल सीडिंग इसको फिर स्पेशल सीडिंग इसको और फिर स्पेशल सीडिंग इसको ठीक बाकी जो भी टीम बची इनका मैच करा देंगे इनके मैचेस हो जाएंगे और ये सीधे जो स्पेशल सीडिंग वाली जो टीम है वो सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमी फाइनल में ही खेलेंगी मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे अगर आपके पास कोई भी डाउट या अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक like, शेयर और कमेंट करना न भूलें और अगर, अगर, अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं Thank you for watching. Style and spirit, Jai Jai Bharat.